सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 7 में आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलोइड। इस पे देखिएगा इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। देखिएगा, एक वैज्ञानिक थे ग्राहम थॉमस। उन्होंने अर्धपारगम्य में झिल्ली में से प्रवाहित होने के गुणों के आधार पर पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया, एक क्रिस्टलोइड और दूसरा कोलोइड। इसे क्रिस्टलाब कहते हैं, ये कोलोइड है। अब देखिएगा, ग्राहम थॉमस के अनुसार क्रिस्टलाब या कोलोइड वे पदार्थ होते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से आसानी से आर पार जा सकते हैं, और कोलोइड वे पदार्थ होते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से आसानी से आर पार नहीं जा पाते हैं, जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। इन पदार्थों का शुरू में अध्ययन किया गया और ये पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली में से पारगमित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। इन्होंने पदार्थों के प्रकार बताए हैं, अपन किसी भी पदार्थ को ये नहीं कह सकते कि ये क्रिस्टलॉइड है या कोलोइड है, क्योंकि उसके उदाहरण से देखिए, उदाहरण से समझें, जैसे NaCl है। अब इस NaCl को क्या बोले, NaCl का जो विलयन है इसको क्या बोले, क्रिस्टलॉइड बोले कि कोलोइड बोले, ये निर्भर करेगा कि इसका विलयन किसमें बनाया है। NaCl को अगर आप जल में घोलकर विलयन बनाते हैं तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर इसी NaCl का विलयन आप बेंजीन में बनाते हैं तो यह कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। और एग्जांपल में जैसे साबुन है, साबुन को अगर आप जल में घोलते हैं तो यह कोलोइड की तरह व्यवहार करता है, और अगर साबुन को आप एल्कोहल में घोलते हैं तो यह क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार करता है। तो पदार्थ है उसको अपन न तो क्रिस्टलॉइड बता सकते हैं ना ही कोलोइड बता सकते हैं, उसके अलग अलग विलयन में अलग अलग गुण उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो ग्राहम थॉमस का जो वर्गीकरण था वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। यहां पर जो कोलोइड नाम दिया गया, वो कोलोइड नाम दिया गया कोला शब्द से, और कोला का मतलब होता है गोंद। इसलिए ग्राहम थॉमस ने देखिए गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, इस प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया और उनको कोलोइड बोला, गोंद के जैसा, इसलिए ये कोलोइड नाम पड़ा है। अब देखिए, ये जो वर्गीकरण में अपने उदाहरण देखे हैं, इन उदाहरण से कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को अपन क्रिस्टलॉइड या कोलोइड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम में उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर कोलोइड क्या है, तो कोलोइड के लिए अपन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोलोइड के जो प्रावस्था है, जो कोलोइड विलयन है, यह उसके कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणों के आकार के आधार पर विलयन को देखिए, मोटे तौर पर मैं तीन भागों में वर्गीकृत कर रहा हूं। एक है यथार्थ विलयन, एक है कोलोइड
और तीसरा है निलंबन। ग्राहम थॉमस ने जो वर्गीकरण दिया वो अभी सटीक रूप से लागू नहीं हो रहा है, इसलिए वर्तमान में विलयन के कणों के आकार के आधार पर उन्हें तीन भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। तो देखिएगा, यह है यथार्थ विलयन, कोलोइड और निलंबन। यथार्थ विलयन किसे कहेंगे? जिनके कणों का आकार एक नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कोलोइड के कणों का आकार एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। कोलोइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। यह क्वेश्चन मैंने जब 2012 में आरपीएससी का एग्जाम दिया था फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें पूछा गया सवाल है। उसके बाद भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में और विभिन्न कॉम्पिटिशन में भी ये आकार कई बार पूछा जाता है। निलंबन क्या कहेंगे? निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। अब देखिए दूसरा अंतर अपन देखें, यथार्थ विलयन के कणों का आकार इतना ज्यादा छोटा है कि इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं, जबकि कोलोइड है उसके कणों को नंगी आंखों से तो नहीं देख पाएंगे लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं, और निलंबन है उसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लें, चीनी का पानी में घोलकर जो बनाया गया विलयन है वो यथार्थ विलयन होता है। चीनी घुलने के बाद उस विलयन में आप चीनी को अलग से देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। दूध क्या है? एक कोलोइड है और दूध के कणों को अपन नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देख पाएंगे। निलंबन है, जैसे अपन ने पानी में मिट्टी डाल दी तो वो क्या बन गया? निलंबन बन गया, और उस मिट्टी के कणों को अपन नंगी आंखों से भी देख पाते हैं तो वो निलंबन है क्योंकि उसके कण बड़े हैं। अब अभी अपन एग्जाम्पल लिए, इन पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की बात करें तो जो यथार्थ विलयन है और जो कोलोइड है उनके दोनों के ही कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे? यथार्थ विलयन और कोलोइड। चीनी पानी में घोल के आप 10 दिन भी रख दो, चीनी क्या पैंदे में बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी। दूध को रख दो, दूध के कण पैंदे में बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निलंबन के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी घोल दो आप पानी में और थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे? मिट्टी है वो पानी के पैंदे पे जाके जमा हो जाती है। क्यों? उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। तो दो पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, निलंबन पे पड़ता है। यथार्थ विलयन है ये समांगी होता है, कोलोइड और निलंबन विषमांगी होते हैं। क्योंकि यथार्थ विलयन समांगी है इसलिए इसमें प्रावस्थाओं की संख्या एक है और कोलोइड और निलंबन में प्रावस्थाओं की संख्या दो दो होती है। अब देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है जो अपन कोलोइड में पढ़ेंगे, वो क्या है? टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ये यथार्थ विलयन भी नहीं दर्शाते हैं और निलंबन भी नहीं दर्शाते हैं। ये गुण सिर्फ कोलोइडी विलयनों के विशेष गुण हैं। इन पे बोर्ड एग्जाम में टिप्पणियां पूछी जाती हैं कि ब्राउनी गति क्या है और टिंडल प्रभाव क्या है। आगे अपन इसी चैप्टर में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति कोलोइडी विलयनों का विशेष गुण होता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अगर अपन विद्युत धारा के प्रभाव की बात करें कि यथार्थ विलयन में, कोलोइड में, निलंबन में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है? तो यथार्थ विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धनायन है वो कैथोड की तरफ और ऋणायन है वो एनोड की तरफ गमन करते हैं। अब चूंकि कोलोइड जो होता है उसके सभी कणों पर एक समान आवेश होता है,
या तो इसके सभी कण धनावेशित होते हैं या इसके सभी कण ऋणावेशित होते हैं। इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। तो जब कोलॉइड में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कण अगर धनावेशित हैं तो वो कैथोड की तरफ गमन करेंगे, और अगर इसके कण ऋणावेशित हैं तो इसके सारे के सारे कण एनोड की तरफ गमन करेंगे। निलंबन पर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निलंबन पर। तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर इन तीन प्रकार के विलयनों में अपन तुलना कर सकते हैं। ये सारी ध्यान रखिएगा, कोलोइड का कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, यथार्थ विलयन 1 नैनोमीटर से छोटे, निलंबन के कण 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। अब देखिएगा, अपने जब विलयन पढ़ा था, विलयन चैप्टर पढ़े थे, तो उस विलयन में अपन ने दो घटक देखे, एक विलय और दूसरा विलायक। वैसे ही कोलोइड में भी दो प्रावस्थाएं हैं, एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। जहां पर विलयन में विलय को काम में ले रहे हैं, विलय शब्द काम में ले रहे हैं, वहां कोलोइड में परीक्षित प्रावस्था शब्द काम में लेंगे, और जहां विलयन में विलायक शब्द काम में ले रहे हैं वहां पर कोलोइड में परिक्षेपण माध्यम काम में लेंगे। परीक्षित प्रावस्था को दूसरे शब्दों के द्वारा भी जाना जाता है, इसे वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। और जो परिक्षेपण माध्यम है इसे वितरण प्रावस्था या बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः अपन परीक्षण प्रावस्था परीक्षेपण माध्यम शब्द ही काम में लेते हैं। अब परीक्षेपण माध्यम के रूप में कई प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे अगर परीक्षेपण माध्यम के रूप में जल है, एल्कोहल है, बेंजीन है, या हवा भी हो सकती है। यह मैं चार किसके लिए ले रहा हूं, जैसे कोई कोलोइड है और उनमें परीक्षेपण माध्यम के रूप में इनमें से कोई है, तो जो कोलोइड है उनके नाम है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर परीक्षेपण माध्यम जल है तो उसे अपन कहेंगे हाइड्रोसोल, उस कोलोइड का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोसोल। और अगर परीक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो कोलोइड का नाम हो जाएगा एल्कोहलोसोल। और अगर परीक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो कोलोइड का नाम हो जाएगा बेंजोसोल, और अगर परीक्षेपण माध्यम हवा है तो कोलोइड का नाम हो जाएगा एरोसोल, एरोसोल। तो देखिए ये क्या है, परीक्षेपण माध्यम क्या है उसके आधार पर कोलोइड के नाम इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे अपने विलयन में पढ़ा था विलय और विलायक की प्रावस्थाओं के आधार पर विलयनों को 9 भागों में अपने वर्गीकृत किया था, 9 प्रकार के विलयन देखे, वैसे ही कोलोइड में भी परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण करेंगे। यहां पर कोलोइड 8 प्रकार के होंगे। अब आप कहेंगे कि ये 9 प्रकार के कैसे, ये 8 प्रकार के कैसे,
क्योंकि गैस का गैस में विलयन हमेशा समांगी होता है और अपन जानते हैं कोलोइड कैसा है, विषमांगी होता है। तो इसलिए परीक्षण प्रावस्था गैस के रूप में लेकर और परीक्षण माध्यम गैस के रूप में लेकर कोलोइड नहीं बना पाते हैं, इसलिए गैस का गैस में कोलोइड नहीं बन पाता है। तो ये कट गया ना। तो कोलोइड कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ है उसको अपन कोलोइड नहीं कह सकते हैं। कोलोइड तो क्या है? उसकी प्रावस्था है। क्योंकि पदार्थ की जो प्रावस्था है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो कोलोइड तो एक प्रावस्था का नाम है जिसमें उस पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अपन देखते हैं कोलोइड में इनकी प्रावस्थाओं के आधार पर कोलोइड के प्रकार। देखिए परीक्षित प्रावस्था परीक्षेपण माध्यम की प्रावस्थाओं के आधार पर जो कोलोइड है उनको 8 भागों में अपन बांट सकते हैं। देखिएगा यहां पर पहला उदाहरण है परीक्षित प्रावस्था गैस, परीक्षेपण माध्यम द्रव, गैस है वो द्रव में घुली हुई है। इस प्रकार के कोलोइड को अपन कहते हैं झाग या फेन। द्रव में जो अपन गैस को डालते हैं तो झाग या फेन। जैसे साबुन का विलयन है, साबुन के ऊपर पानी डालते हैं बहुत सारे झाग उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? द्रव के अंदर वायु घुस जाती है। कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वो द्रव में घुली हुई है। तो ये इसका एग्जाम्पल है साबुन विलयन और सोडा वाटर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए गैस परीक्षित प्रावस्था ठोस परीक्षेपण माध्यम। ठोस में गैस घुली हुई है इसे अपन कहेंगे ठोस फोम, ठोस झाग। उदाहरण जैसे केक है, रबड़ है, ये थोड़े से प्रूफी होते हैं, स्पंजी टाइप होते हैं कि नहीं, ये आसानी से दबाए जा सकते हैं। समुद्र के ठोस झाग किनारों में जो जमे हुए हैं उनमें भी गैस है वो ठोस में घुली हुई है, तो ठोस झाग इसका उदाहरण है। तीसरे प्रकार का है द्रव परीक्षित प्रावस्था और गैस परीक्षेपण माध्यम। गैस में द्रव घुला हुआ है इसे अपन कहते हैं एरोसोल, क्योंकि गैस क्या है? गैसीय प्रावस्था है। अपन ने देखा था परीक्षेपण माध्यम अगर गैस है या वायु है तो उसे क्या कहते हैं? एरोसोल। उदाहरण जैसे कोहरा हो जाता है तो वायु में जलवाष्प घुला हुआ है, द्रव घुला हुआ है। जैसे बादल है वो भी एरोसोल का उदाहरण है। जैसे कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है तो कीटनाशक द्रव है वो वायु में घुलकर एरोसोल बना लेता है। तो ये क्या है? एरोसोल। चौथे प्रकार का है द्रव परीक्षित प्रावस्था और द्रव ही परीक्षेपण माध्यम। द्रव को द्रव में मिलाया है, इस प्रकार के कोलोइड को पायस कहते हैं या इमल्सन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का ये कोलोइड है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें दूध, दूध एक पायस है, पायस प्रकार का कोलोइड है जिसमें जो वसा है वो जल में घुली हुई है। मैंने एक उदाहरण भी लिया है दूध के अलावा तेल प्लस जल, तेल जल में घोलते हैं। ये जो पायस बनता है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अपन भोजन करते हैं, अगर भोजन जल के साथ घुलेगा तो वो पचेगा और उसका अवशोषण होगा, अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन अपन जानते हैं कि अपन सामान्य परिस्थिति में तेल को घी को जल में घोल ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये कैसे पचते हैं? फिर इनसे अपने को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो अपने जो पाचन तंत्र में एक विशेष प्रकार का द्रव है वो स्रावित होता है जिसे कहते हैं पित्त रस, बाइल ज्यूस कहते हैं। बाइल ज्यूस क्या करता है? तेल को या घी को जल में घोलकर पायस बना देता है। तो पित्त रस या बाइल ज्यूस स्पाइसी कर्मक का काम करता है और पायस बनने के बाद उसका पाचन हो जाता है और अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, अपन जब कपड़े धोते हैं तो मैले कपड़े पर वसा जमा हो जाती है अपने या कॉलर पे बाजू में, और उस पर फिर क्या है कि मिट्टी के और कण जमा हो जाते हैं, उसी को अपन मैल कहते हैं। तेलीय पदार्थ में मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं।
अब अपन साधारण पानी से धोते हैं तो जो तेल है वो पानी में घुल ही नहीं पाता है, तो उससे कपड़े की सफाई नहीं होती है, इसलिए अपन साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट क्या करेगा, इस जो तेलीय पदार्थ अपने कपड़ों से चिपका हुआ है इसको जल में घोलकर पायस बना देता है। तो साबुन और डिटर्जेंट क्या हो गए, पायसी कारक हो गए, और पायस बनने के बाद तेलीय पदार्थ कपड़े से छूटकर पानी के साथ निकल जाता है और उसके साथ गंदगी निकल जाती है। इससे मिसेल का निर्माण भी होता है जो अपन आगे डिटेल में देखेंगे, मिसेल क्या है, कपड़े की सफाई कैसी होती है, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पायस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्रव का ठोस में कोलोइड, द्रव परीक्षित प्रावस्था, ठोस परीक्षेपण माध्यम, इस प्रकार के कोलोइड को जेल कहा जाता है। और उदाहरण है मक्खन है, बूट पॉलिश, पनीर, दही, ये सब जेल के उदाहरण है। नेक्स्ट है ठोस परीक्षण प्रावस्था और गैस परीक्षेपण माध्यम, ठोस है वो गैस में घुला हुआ है तो परीक्षण माध्यम गैस हो गया, तो इसे कहते हैं ठोस का एरोसोल। ये जो ये ऊपर देखा था ये था द्रव का एरोसोल, ये ठोस का एरोसोल। जैसे धुआं, धुआं में क्या होता है कि जो कार्बन के कण है वो कार्बन के कण वायु में घुले होते हैं। नेक्स्ट है ठोस परीक्षण प्रावस्था और द्रव परीक्षेपण माध्यम, ठोस है वो द्रव में घुला हुआ है, सॉलिड इन लिक्विड, इसे कहते हैं सोल, एस ओ एल, अपने से याद रख सकते हैं एस ओ एल, पहले एस आया सॉलिड और लास्ट में एल आया इन लिक्विड, तो ठोस है वो द्रव में घुला हुआ है। विभिन्न प्रकार के धातुओं के जो सॉलिड सोल है वो इसी प्रकार के होते हैं, सॉलिड सोल नहीं कहेंगे, सॉरी इसको सोल ही कहेंगे, विभिन्न प्रकार के धातुओं के जो सोल हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, जैसे एयू सोल, एजी सोल, पेंट है, पेंट दीवारों पे करने में किए जाने वाला पेंट, वो इसी श्रेणी का है। और लास्ट है इसमें परीक्षण प्रावस्था ठोस और परीक्षेपण माध्यम भी ठोस, ठोस का ठोस में कोलोइडियम, इसे कहते हैं सॉलिड सोल, ठोस सोल इसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर लें मिनरल्स, खनिज, तो खनिज में कई प्रकार की अशुद्धियां, कई प्रकार के धातु आपस में जुड़े होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो वो सभी ठोस प्रावस्था में है तो वो कोलोइड कैसा हो गया, सॉलिड सोल। देखिए मिनरल्स है, रूबी ग्लास है, रूबी कांच, ये भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये आज देखिए अपने कोलोइड की कुछ मूलभूत चीजें देखी और उसका इस तरह से थोड़ा सा वर्गीकरण भी देखा, तो आप समझ गए होंगे मोटे तौर पर कोलोइड होता क्या है। मैं फिर याद दिला दूं आपको, कोलोइड एक प्रावस्था है जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में अपन फिर कोलोइड का वर्गीकरण देखेंगे और इसके और गुणों को देखेंगे कि परीक्षण प्रावस्था परीक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। बहुत बार इन कोलोइडों में अंतर पूछा जाता है, कणों के आकार के आधार पर अपन देखेंगे बहु अणु और वृहद अणु के कोलोइड होते हैं। तो जो वीडियोज बनते जा रहे हैं उनको क्रम से आप देखते जाइए, निश्चित रूप से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।